कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था जिसका क्या नेम था? धौनी। क्या नेम था? धौनी। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट की क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट की क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफी उत्साह और ऊर्जा है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहता है क्योंकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है। अतः वह वसंत की तरह युवाओं को युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत से सींच कर हरा भरा कर देना चाहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ देखना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह कलियों पर वासंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें पुष्पित कर देगा। दूसरे शब्दों में कवि अपनी काव्य रचना से युवकों को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखा देने की बात करता है। क्या करता है? उज्जवल भविष्य दिखाने की बात करता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर करने के लिए उन पर वसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिला देना चाहता है। जो काम वसंत करता है वही काम कवि करना चाहता है। बिना खिली हुई कलियां आलस्य में पड़े युवाओं की प्रतीक है। वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अगला क्या है? वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? भारत में एक साल में 6 ऋतुएं होती है। इन सबका अपना अलग अलग महत्व है। इनमें वसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र है। इसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। इस ऋतु में प्रगति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। यह ऋतु स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। चारों ओर खिले फूल, आम के बोर की मादक महक, कोयल की मधुर कूक और सरसों के फूल इस ऋतु को उमंग से भर देते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु में मुख्य वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि तथा होली के त्यौहार मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और यज्ञ हवन आदि किया जाता है। इस अवसर पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। अब हम क्या करेंगे? होली पर निबंध देखेंगे। भारत त्योहारों का देश है जिसमें होली रंगों भरा मौज मस्ती का उत्साह और उमंगों का त्यौहार है। जिस प्रकार प्रगति सदैव एक ही रंग में नहीं बनती है अपितु विभिन्न ऋतुएं प्रगति को अपने रंग से रंगती रहती है, वैसे ही उल्लास, उमंग, संगीत और नृत्य के साथ होली के रूप में वसंत ऋतु चारों ओर गुलाल बिखेर देते हैं। इसके आगमन पर मनुष्य तो क्या प्रगति भी इकट्ठा उठती है। किसान अपनी फसल को हरा भरा देखकर फूल नहीं समाता। पौराणिक दृष्टि से इसे उल्लास त्योहारों का संबंध देवराज हिरण्यकश्यपु, उसके पुत्र प्रहलाद और बहन होलिका की कथा से जुड़ा जाता है। हिरण्यकश्यपु ने वरदान प्राप्त करके स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपनी पूजा करवाने आरंभ कर दी। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था जबकि हिरण्यकश्यपु विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। यही अंतर पिता पुत्र के वैमनस्य से का कारण बना। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को विष्णु की आराधना करने के लिए मना किया किंतु वह नहीं माना। प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने उसे अनेक यातनाएं दी किंतु प्रहलाद ने अपना निश्चय नहीं बदला। फिर हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को जला देने की बात सोची। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को अग्नि से वरदान मिला हुआ था कि वह आग से नहीं जलेगी। पलट वह प्रहलाद को गोद में लेकर लड़कियों के ढेर पर बैठ गई लेकिन
होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका को जलाने की परंपरा चली आ रही है। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिनों से शिशिर का अंत और वसंत का आरंभ होने को होता है। प्रातःकाल होली पूजन होती है तथा सायकाल होलिका दहन होता है। चने और गेहूं या जौ की बाले होलिका की आग में भूनते हैं। होलिका दहन के समय में लोग इसे भुने अनाज को एक दूसरे को देते और गले मिलते नव धुए विशेष रूप में होली पूजन करते हैं। होली के दूसरे दिन धुलंडी बनाई जाती है। इस दिन एक दूसरे के ऊपर रंग डाला जाता है। प्रातःकाल से ही बालक बालिकाएं युवक युवतियां वृद्ध सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाने लगते हैं। पिचकारियों से निकले रंग सभी का तन मन भिगो देते हैं। चारों ओर हंसी ठहाके उत्सव उमंगों से आनंद का वातावरण बन जाता है। विश्व भर में ऐसा त्यौहार और कहीं नहीं मनाया जाता। इस अवसर पर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं जहां उनका स्वागत मीठे पकवानों से किया जाता है। गांव देहातों में महीने भर पहले से होली के उत्साह की तैयारियां शुरू हो जाती है। होली के अवसर पर कवि सम्मेलन तथा नृत्य आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान युग में इस त्यौहार में कुछ कुर्तियां भी शामिल हो गई है। रंग खेलते हुए काली खिया बदबूदार कीचड़ मुख पर मल देना, रास्ते में जाते हुए लोगों पर गंदगी फेंकना, बसों कारों पर रंग भरे गुब्बारे फेंकना, होली के बहाने गलत व्यवहार करना, ये सब कोई भी सभ्य व्यक्ति सह नहीं कर सकता। कुछ लोग नशे में धूत होकर अश्लील हरकतें करने से बाज नहीं आते। इन्हीं कुर्तियों के चलते त्यौहारों पर पवित्रता या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। होली आपसी मेल मिलाप और भाईचारे का त्यौहार है, इसे इसी भावना से बनाना चाहिए। यह त्यौहार समस्याओं से ग्रस्त दैनिक जीवन को ताजगी भरे रंग से भर देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे खान पान पहनावे स्वास्थ्य आदि से प्रभावित होते हैं। ऋतुओं के अनुसार ही लोग भोजन में खाद्य वस्तुओं को शामिल करते हैं, जैसे सर्दियों में गर्म वस्तुओं और गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का सेवन किया जाता है। इसी प्रकार हर ऋतु में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्दियों में गर्म वस्त्रों का, गर्मियों में सूती वस्त्रों का और वर्षा ऋतु में बरसात बचने वाले वस्त्रों का अधिक प्रयोग होता है। ऋतुओं के अनुसार बनाए जाने वाले त्यौहारों भी लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। कुछ ऋतुएं स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, जैसे शरद और वसंत ऋतु। वर्षा ऋतु जीवन में उल्लास लेकर आती है। अच्छी वर्षा से फसल भी अच्छी होती है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन किया। फूटे है आमों में बोर, भोर वन वन फूटे हैं, होली मची ढोर ढोर सभी वंदन छूटे हैं। कविता में उपयुक्त पंक्तियों में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया। वसंत ऋतु में होली का त्यौहार बनाया जाता है। आम के वृक्षों में भोर आने लाल लगते हैं, जिन पर मंडराते भोरों का गुंजन करण प्रिय होता है। शोपन भरे कोमल कोमल हाथों और अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देते उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? फूलों और पौधों के लंबे जीवन के लिए हम उन्हें पानी से सींचेंगे, समय समय पर खाद डालेंगे और उनकी गुड़ाई करेंगे। फूलों को न तोड़ने और न किसी को तोड़ने देंगे। पौधों और फूलों को प्यार भरे हाथों से स्पर्श करेंगे। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहे हैं। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है, जैसे नन्हे बालक को माँ जगा रही है। कवि के बताए कार्यों का निम्नलिखित संदर्भों से संदर्भ जुड़ सकता है। प्रातःकाल पिता के साथ बगीचे में गया बालक फूलों पर बैठी तितलियों को छूने या पकड़ने का प्रयास करता है। वह चुप रहे पक्षियों को पकड़ने का प्रयास करता है। पत्तियों और फूलों पर ओस की बूंदों को छूने का प्रयास करता है। उलझी लताओं को सावधानी से अलग करने का प्रयास करता है। माली द्वारा पौधों की सावधानी से काट छाट। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और अच्छे से इनको पढ़ना और इनको अच्छे से
समझना है और अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे, इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों।